वेलकम टू अनूज क्विक रेसिपीज एंड लाइफस्टाइल। आज हम बनाने वाले हैं पुआ या मालपुआ जिसे कहते हैं, और हमेशा की तरह क्विक और इजी तरीके से। पर क्या आप जानते हैं हमारे देश के 8000 सालों से भी ज्यादा पुराने पकवानों के इतिहास में मालपुआ को सबसे पहली भारतीय मिठाई कहा गया है। ये हमारे देश में ही नहीं पर बांग्लादेश, नेपाल और पाकिस्तान में भी बड़े चाव से खाया जाता है, और इसका उल्लेख ऋग्वेद में भी किया गया है अपूपा के नाम से। कहते हैं इसको पहले बार्ली से बनाया जाता था, फिर समय के साथ इसमें गेहूं का आटा इस्तेमाल किया जाने लगा, और फिर धीरे धीरे इसकी कई वैरायटीज हो गई, और देश के अलग अलग हिस्सों में थोड़ी थोड़ी वेरिएशंस के साथ ये डिश आपको मिल जाएगी। खाना जो है हमारे देश के हर स्टेट को एक दूसरे से कनेक्ट करके रखता है, और इसका बहुत ही सुंदर उदाहरण है पुआ। आज शेयर करूंगी आपके साथ मेरे घर की रेसिपी, एकदम सिंपल, कम इंग्रेडिएंट से बनने वाली और उतनी ही स्वादिष्ट। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं पुआ। पुआ बनाने के लिए मैंने लिया है आधा कप मैदा, आधा कप सूजी, आधी कप गुड़। आप चाहें तो मैदे की जगह आटा और गुड़ की जगह चीनी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। 1/4 चम्मच इलायची पाउडर, और लेंगे हम 1.5 कप दूध। दूध को हमने थोड़ा थोड़ा डालना है और धीरे धीरे मिलाना है, ताकि कोई लम्स ना हो जाए, इसलिए थोड़ा थोड़ा डालते जाएंगे और मिलाते जाएंगे, और एक पतला सा बैटर हमें इसका बनाना है जो एक फ्लोइंग कंसिस्टेंसी वाला होगा। इस तरह से हमें इसको मिलाते जाना है। कई बार ऐसा भी होता है कि जब आप पुआ बना रहे हैं तो बनाते वक्त आपको लगेगा कि घोल तो पतला ही था, फिर गाढ़ा हो गया, अब्सॉर्ब कर लिया उसने लिक्विडिटी को, तो आप उसमें थोड़ा सा पानी जरूरत के अनुसार या फिर दूध डाल सकते हैं। ये इस तरह से हमारा घोल हमने बनाना है, हो गया ये बिल्कुल तैयार बनाने के लिए। अब इसको तलने के लिए हम एक कढ़ाई में घी गरम कर लेंगे। बहुत ज़्यादा गरम नहीं होगा घी, पुआ डालते वक्त स्पेशली हमें फ्लेम को भी एकदम लो रखना है। फिर एक चम्मच से हम इसमें बैटर डाल देंगे इस तरह से। कितना बैटर डालना है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपको कितना बड़ा साइज बनाना है। और 10 सेकेंड तक उसको बिना डिस्टर्ब पकाने के बाद हम इस तरह से उस पर घी डालना शुरू करेंगे, तब तक जब तक कि पुआ अपने आप ही कढ़ाई से अलग ना हो जाए। ये देखिए इस तरह से हमने डालना है, इस तरह अलग हो गया। अब हम इसको फ्लिप करके दूसरी ओर भी अच्छी तरह से पका लेंगे। दूसरी ओर फ्लिप करने के बाद हमें इसको हल्के हाथों से प्रेशर देते हुए पकाना है, चारों तरफ से हमें हल्का हल्का प्रेशर देना है। इससे पुआ हमारा अच्छे से पक भी जाएगा और फूल भी जाएगा इस तरह से। ये हमारा पुआ अब हमने फ्लिप कर दिया, ये देखिए बिल्कुल फुलकर एकदम तैयार है सर्व करने को हमारा ये पुआ। गर्मा गर्म सर्व करें अपने मनपसंद नट्स से गार्निश करके। उम्मीद करती हूँ पसंद जरूर आएगा।